वन वेलकम टू करण क्रंस तो स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो जैसा कि आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे बट स्टिल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये वाला चैप्टर है स्टेजेस एंड थेरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये आधा हो गया है इसका थोड़ा ही पोर्शन बाकी रह गया था एंड अर वॉन्ट के आपके सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ी आ, कुछ ज्यादा टाइम लग जाए ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इसका फ्र्यूर हो गया दो थिंकर्स हमें इसमें डिस्कस करने थे योर सेगमेंट फ्रूर एंड योर एरिक एरिकसन ठीक है तो एरिक्सन हम आज डिस्कस करेंगे एंड आपके ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा तो जो टेस्ट सीरीज आपको मैंने कोइज नंबर फोर अपलोड करा था टेलीग्राम पे उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं एक दो दिन तक लेके आऊंगी तो वीडियो सोल्यूशन आने से पहले वो टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें इन केस यू वॉन्ट पी डी एफ ऑफ माई वीडियो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पे मैं पी पी टीज पी डी एफ टेस्ट सीरीज एंड रिसेंटली आपका यूनिट सिक्स जो स्कीम्स का पार्ट है उसका पार्ट वन भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है तो वो ज्वाइन करें वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड इफ यू एनी क्वरी रिगार्डिंग दिस एग्जाम और इन जनरल कोई भी सोशोलॉजी को लेके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कारण क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पर ठीक है तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऐलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कॉमेंट्स में बताएँ आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ तो ये हो गया थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है हमें सिगमन फ्रियड एंड एरिक एरिक्सन जो है वो डिस्कस करना था ये हमारा कंप्लीट हो गया बस हमारा एरिक्सन का ये रहता है इनकी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो इन्होंने कहा था टोटल आठ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होती हैं तो वो हम देखते हैं वो क्या है ठीक है यहां से हमें करना था तो एरिक्सन जो थे वॉज ऑल्सो साइको एनालिटिक साइको एनालिटिक क्या होता है जो वो चीजें एनालाइज करता है जो रिलेटेड टू एयर मेंटल बिहेवियर होती हैं साइकी से ठीक है तो मेंटल प्रोसेस ये सारी चीजें क्या आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और उस वजह से आपकी पर्सनैलिटी कैसे निकल के आती है वो सारी चीजें वो एनालाइज करेंगे तो फ्रीवड और एरिक्सन दोनों साइको एनालिटिक थे लेकिन जहाँ फ्रीवड ने साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट की बात करी थी अगर आप इनकी स्टेजेस याद करो तो ओरल साकिंग फिर एनल स्टेज ठीक है उसके बाद वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो हमने सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में देखी तो ये सारी कहीं कही ना कहीं आपकी साइको साइकोसेक्शुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी लेकिन एरिक्सन जो थे वो थोड़ा कल्चरल ऑरिएटेड थे तो उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी उनकी थियोरीज को हम साइको सोशल बोलते हैं तो साइको सोशल क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है ह्यूमन बिहेवियर और या बोलो ह्यूमन थाट्स जो होते हैं मेंटल प्रोसेस होते हैं उनका आपकी सोसाइटी का उन पर क्या असर पड़ता है सोशल प्रोसेस का जैसे आपका कल्चर हो गया बिलीफ हो गए ठीक है ये दोनों चीज़ें जो हैं साइको दैट मीन्स योर बिहेवियर एंड योर थाट प्रोसेस योर मेंटल प्रोसेस ये सारी चीज़ें इन सोशल प्रोसेस से आपकी सोसाइटी से कैसे रिलेटेड uh, है इनका इंटर रिलेशन एंड इंटरैक्शन ठीक है वो होता है साइको सोशल तो एरिक्सन वॉज अ साइको सोशल एंड फ्रीवड वॉज अ साइको आप बोल सकते हो जो एरिक्सन है ही गेव साइको सोशल थियरी एंड फ्रिगमेंट फ्रूड गेव साइको सेक्शुअल थियरी तो इसमें एपिजेनेटिक प्रिंसिपल एक की वर्ड है इनकी थियोरी का वो याद रख लेना एरिक्सन की थियोरी का इन्होंने कहा था दिस प्रिंसिपल स्टेट्स की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है थ्रू अ प्री डिटर्मिट ऑर्डर दैट इज वन स्टेज आफ्टर अनदर स्टेज ओनली तो ये स्टेजेस बनी हुई हैं ऐसा नहीं है आप बीच में से एक स्टेज स्किप करोगे अगर इन्हें आठ स्टेजेस दी हैं तो इन स्टेजेस को हमें वन बाय वन जो है जाना होता है हमें हर स्टेज में ऐसा नहीं है सेकेंड स्टेज से आप सीधे जंप करके फिफ्थ स्टेज में पहुंचोगे इस चीज को हम एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक प्री डिटर्मिन ऑर्डर में दैट इज वन स्टेज आफ्टर अनदर ओनली और दो चीज इनके आप याद रखोगे इन्होंने कहा था हर जो स्टेज जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं जिनको हम डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं और अगर उस स्टेज में हमें सक्सेस मिली दैट मीन्स अगर हम सक्सेसफुली वो स्टेज क्रॉस कर पाए तो हमारा जो लाइफ का आउटकम होगा टुवर्ड्स अनदर स्टेज हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे एंड ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी में आपको पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे ठीक है अब अगर हमारा नेगेटिव अगर हम सक्सेसफुल नहीं रहे स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोई इश्यूज क्रिएट हुए तो वो नेगेटिव आउटकम्स होगा दैट मीन्स वो नेगेटिव चीज हमारी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करेगी और उसको इन्होंने दो चीजों में डिवाइड किया था एक तो कहा था मैल होती है मैल मैल्टेशन हो जाएगी मैल एंड सेकेंड वन इज मेलेग्नेसीज ठीक है अब ये सक्सेसफुल uh, हो गया हमने हर स्टेज जो है वो सक्सेसफुली क्रॉस की दैट मीन एक पॉजिटिव आउटकम आया टूवर्ड्स लाइफ ठीक है अब अगर सक्सेसफुल नहीं रहे हम स्टेजेस में जो आठ स्टेजेस बोलते हैं तो नेगेटिव आउटकम आएगा ठीक है हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे वो नेगेटिव आउटकम इन्होंने दो चीजों से कहा था या तो मैल अडेप्टन होती है या तो मेलेग्नेंसी होती है मैल अडेप्टन उन लोगों के साथ होता है जिनमें पॉजिटिविटी थोड़ा ज्यादा होती है मीन्स जितनी नॉर्मल पॉजिटिविटी होगी उससे ज्यादा पॉजिटिविटी इनमें होती है एंड नेगेटिविटी थोड़ी कम होती है एंड मेलेग्नेंसी इसका उल्टा है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और उसके कंपेरिटिवली पॉजिटिविटी कम होती है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई नेगेटिव आउटकम कैसे हुआ ये उन लोगों पे अप्लाई होता है जो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अगर आप एक्सट्रीम ट्रस्ट करना शुरू करोगे तो भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप अपना थाट प्रोसेस पूरा अप्लाई नहीं करो लॉजिक पूरा अप्लाई नहीं करो आंखें बंद करके ट्रस्ट करो तो मैल अडेप्टन होती है ठीक है तो ट्रस्टिंग टू मच जो है वो मैल अडेप्टन है एंड ट्रस्टिंग टू लिटिल जो है वो मेगनेंसी है उटकमेंसी जो होती है इनवॉल्व टू लिटल ऑफ पॉजिटिव एंड टू मच ऑफेटिव आस्पेक्ट सच एज अ पर्सन डॉट ट्रस्ट एट ऑल वेयर एज मैल अडेप्टन इनवॉल्व टू मच ऑफ पॉजिटिव एंड टू लिटल ऑफ नेगेटिव सच एज अ पर्सन हु ट्रस्ट टू मच तो हमारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते किसी पे एंड आपको इस दुनिया में इस सोसाइटी में रहने के लिए आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है लोगों पे ठीक है ना तो अगर आप दोनों चीजों में एक्सट्रीम जाओगे नेगेटिविटी में भी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में भी एक्सट्रीम तो उन दोनों चीजों के आपको नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे ठीक आगे देखते हैं अब इनकी स्टेजेस इन्होंने कहा था एक जो हेल्थी डेवलपिंग पर्सन है वो आठ स्टेजेस से क्रॉस करता है आठ स्टेजेस ठीक है तो पहली है ट्रस्ट वर्से वर्सेस मिसट्रस्ट ये इनफैंट में होता है जीरो टू वन ईयर ये पहली स्टेज है ठीक है ये जो स्टेज है ये फोकस करता है इनफैंट के जो बेसिक नीड्स होते हैं उस स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज किसके होता है अपने पेरेंट्स के होता है ना सबसे ज्यादा क्लोज अगर उस एज में बच्चे को थोड़ी वार्म मिलेगी रेगुलरिटी मिलेगा उसको लगेगा बच्चे को कि वो उन पर डिपेंड हो सकता है डिपेंडेबल इफेक्शन ठीक है जैसे बच्चे का डायपर चेंज करना है वो रो रहा है काफी कि मुझे डायपर चेंज करना है एंड उसकी मामा सामने बैठी एंड फोन चला रही है डायपर टाइम पे चेंज नहीं कर रही है ऑल्दो ही इज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस लेकिन कही न कहीं ना कहीं उन चीजों का इम्पैक्ट उसके दिमाग में पड़ता है फिर अगर आपको नेक्स्ट मोमेंट ही वो खेलता हुआ नजर आए लेकिन आप रूटीन में ऐसी चीजें करना शुरू करो जब उसको लगे कि वो आप पे डिपेंड नहीं कर सकता आपको चाहे आज ये चीज रियलाइज ना हो लेकिन उसके एडल्टुड में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी तो देखो आप जो सोशोलॉजी सुषा, में पढ़ते हो खासकर हम जो डेवलपमेंट स्टेजेस भी पढ़ रहे हैं अगर कोई मदर ये देख रही है तो वो इस चीज से सीख भी सकती हैं, ठीक है कि बच्चे को उस एज में एक्सपोज द चाइल्ड टू वॉम्थ रेगुलरिटी उस चीज़ में उस स्टेज में बच्चा आप सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है अगर आप ये नहीं करोगे तो उसको मिसट्रस्ट डेवलप होगा और वो मिसट्रस्ट जो है वो उसकी पर्सनैलिटी में लेटेस्ट स्टेज में देखेगा अगर आज मान लो जितने सारे लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी एज ग्रुप के हैं या थर्टी अबव भी होंगे या थर्टी टू फोर्टी एज ग्रुप के भी हैं ठीक है तो अगर आप देखते हो अपनी पर्सनैलिटी में आज कोई चीजें हैं अगर आप आज देखते हो कि कोई कमिटमेंट फोबिक है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता कोई इंसान ठीक है या आप खुद ऐसे हो कि आप कमिट नहीं कर पाते तो बेसिकली बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी होती है इसीलिए इन्होंने डिस्कस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस अगर एक स्टेज में कुछ नेगेटिव रह जाए उसका इम्पैक्ट आप लेटर स्टेजेस में देखते हो सेकेंड वन इज ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट ठीक है ये टॉडलर्स में देखते हैं टू टू थ्री ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे होते हैं तो दो तीन साल का बच्चा अगर आपने देखा होगा उसके उसका डायपर का टाइम खत्म हो जाता है अब वो टॉयलेट ट्रेन हो जाता है वो खुद वॉशरूम जाता है वॉशरूम यूज करने के लिए ठीक है उसकी मस्क्यूलर स्टेज आ जाती है ये इसीलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं एनल मस्कुलर स्टेज एनल मींस अब वो खुद वॉशरूम यूज करना शुरू हो जाता है एंड मस्क्यूलर क्योंकि उसकी मोटर एबिलिटीज डेवलप हो रही होती हैं। अब इस एज में बच्चा क्या करता है बच्चा चीजें पकड़ता है अच्छे से दौड़ता फिरता है वो हाथ में ग्रैब करता है अगर आप बच्चे को बोलो ये लेके आओ वहां से वो लेके आओ वो, वो भी अंडरस्टैंड करेगा उसको मजा आता है ये सारी चीजें करने में ठीक है तो उसकी मोटर एबिलिटीज डेवलप हो रही होती हैं चलना फिरना दौड़ना भागना चीजें उठाना ये सारी अब अगर जो पेरेंट्स होते हैं या केयर गिवर्स होते हैं वो इस चीज को क्या करेंगे एनकरेज करेंगे इस बिहेवियर को कि हाँ आप इस स्टेज में बच्चे को बोलो कि वो लेके आओ सामने से वो लेके वो चीज मुझे दे दो फिर उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ आप मेरी बात समझ गए तो इन सब चीजों से उसमें डेवलप होती है एक सेंस ऑफ ऑटोनोमी क्या होता है कि हाँ इंडिपेंडेंस उसमें आ जाती है सेल्फ सफिशेंसी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ ये होगी एक कैटेगरी के लोग कुछ कैटेगरी के लोग आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व इन माई लाइफ कि वो बच्चे को अभी भी शेल में रखते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना वहां नहीं जाना इसको हाथ नहीं लगाना ये चीज मत उठाओ लगेगी गिर जाओगे आराम से चलो कि बच्चा एक बार गिर जाए रूम में ही अब जाके आप उसको धक्का सड़क पे तो नहीं दोगे ना रूम में ही गिर जाए इट्स ओके बच्चे को गिरने दो वो गिरेगा खुद उठेगा संभलेगा उसके अंदर ऑटोनोमी डेवलप हो जाएगी जो आप वो एक्सेस शेल में जो बच्चे को रखोगे कि नहीं खुद कुछ भी नहीं करना है खुद ये मत करो खुद पानी नहीं पियो चौक हो जाएगा खुद इस चीज को हाथ नहीं लगाओ उससे क्या होता है बच्चे में शेम एंड डाउट डेवलप होता है और इससे क्या हो जाता है उसकी लाइफ में जैसे हमने पहले कहा था नेगेटिव आउटकम्स आते हैं वो ने, नेगेटिव आउटकम्स को हर स्टेज में रिप्रेजेंट किया है एक टर्मिनोलॉजी से मैल अडेप्टन टेंडे मैल अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ इम्पल्सिविटी एंड मेलिग्नेंट टेंडेंसी ऑफ कंपल्शन ठीक है इम्पल्सिविटी का यहाँ पे क्या मतलब हो कि बच्चा कोई भी काम करता है विदाउट थिंकिंग कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्योंकि वो थिंकिंग तो आपने डेवलप ही नहीं ना होने दी आप हर टाइम बच्चे के साथ साथ उसको शेल में रखते गए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा इंपल्सिविटी आएगा वो विदाउट कॉन्सिक्वेंसिस काम करेगा उसको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है क्योंकि वो कभी घिरा ही नहीं है उसे खुद को कभी संभाला ही नहीं है उसको चीजों के कॉन्सिक्वेंस का कुछ नहीं पता है एंड जो मेलेगनेट टेंडेंसी ऑफ कंपल्शन है ये वो कि आपको उसको कंपल्सिवली काम करवाना पड़ेगा उसी तरह मेरा राजा बेटा पानी नहीं लाएगा कितनी वाइफ्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हस्बैंड लिटरली उनको पानी तक गर्म करना नहीं आता ये क्यों नहीं आता क्योंकि उन्होंने बचपन में अटोनमी ही डेवलप नहीं करी है कि मेरा बेटा किचन में कैसे जा सकता है और वो मेरा बेटा किचन में नहीं जाएगा आप देखो इसकी प्रॉब्लम्स सिर्फ उसको नहीं फेस करनी पड़ती लड़के को लाइफ में वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनता कल को उसकी वाइफ उससे इरिटेट होती है उसके बच्चे कल को यही सीखते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह चीज चलती जाती है ठीक है आपको कंपल्सिवली काम कराना पड़ता है आपको अपने हस्बैंड को ऑमलेट बनाना भी सिखाना पड़ता है कि कैसे बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ये आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ही हुई होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये होता है प्री स्कूल में फोर टू सिक्स इयर्स ये अब आपकी प्ले एज है न, स्कूल गोइंग एज है इसमें बच्चा क्या करता है बच्चे को मजा आना शुरू हो जाता है वो खेलता है स्कूल जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है उसको अपना रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाता है इस एज में बच्चे को स्कूल से एक टाइम टेबल मिलता है ठीक है टाइम टेबल क्या करते देखो टाइम टेबल स्कूल की एक बेसिक सी चीज है लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा थॉट अपना इन्वॉल्व करो थोड़ा दिमाग लगाओ इस पर कि टाइम टेबल जो शाम को बच्चा अपने बैग में भरता है ना ये बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मैं एक डिसिप्लिन लाता है उसकी लाइफ में मैं कल जाऊँगा मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है तो मेरे पास ई बुक्स होनी चाहिए लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है बैग भी ममा बना के देती है ठीक है आप असिस्ट कर सकते हो अपने बेबी को इस चीज में लेकिन उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो वो फीलिंग लाने दो अगर सुबह आपका बेबी उठता है फोर फाइव ईयर्स का सिक्स ईयर्स का स्कूल जा रहा है आपका बच्चा तो लेट हिम मेक हिज ओन बेड ठीक है अगर वो आपके साथ भी सोता है तो एटलीस्ट पिलो आप बेटे से ठीक बच्चे से ठीक करवाओ थोड़ा उस ये बताओ कि हाँ इन चीज़ को ऐसे फोल्ड करते हैं ये क्या होता है इस एज में बच्चे बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है वो नए स्किल सीखता है उसको लगता है वो भी किसी काम का है जब वो शाम को टाइम टेबल बन भर रहा होता है अपने बुक्स बैग में भर रहा होता है तो उसको भी वो पर्पजफुल वाली फीलिंग आती है कि नहीं मैं भी किसी काम का हूँ मैं अपना बैग खुद बनाता हूँ ये थोड़ी छोट छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी पे लेटर ऑन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अब जिसने ये सारी पेरेंट ने की तो थम्स अप उनका बच्चा सही से डेवलप हो रहा है लेकिन जहां पे नहीं हुआ वहां बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाता है लेटर स्टेजेस में उसको लगता है वो तो किसी काम का ही नहीं है वो वो घर वालों के पीछे पीछे वो ममाज बॉय हर चीज़ में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं कोई स्किल्स नहीं सीखे लाइफ में ठीक है ना तो वो उस कैटेगरी का बच्चा बन जाता है इसमें जो नेगेटिव आउटकम्स आते हैं वो होता है मैल टेंडेंसी ऑफ यूथलेसनेस कि बाद में उसको लैक ऑफ एम्पथी आ जाती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं लाइफ में उसने कोई कभी खुद पर्पजफुल कोई काम नहीं किया खुद पर्पजफुल फील नहीं किया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली वो क्या समझेगा किसी और को ठीक है ना जैसे अगर आपके हस्बैंड जो है वो इस कैटेगरी के होंगे फर्स्ट कैटेगरी के तो उनने रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं बचपन से उनको बर्तन धोना आता है उनको खाना बनाना आता है एंड ही नोस सफाई करना आता है ही ये काम में इट टेक्स एन एफर्ट ये भी ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है तो वो उसके अंदर एम्पथी डेवलप होगी एम्पेथी क्या होता है दूसरे की दूसरे को दूसरे की जगह रह के समझना ठीक है टू बी इन योर शूज एंड अंडरस्टैंड यू तो वो आपके हस्बैंड में एम्पथी होती है वो आपको समझता है कि हाँ आई नो इस काम में क्या होता है लेकिन जिसने ये किया ही नहीं कभी जो राजा बेटा बन के ही रहा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो रूथलेस हो जाता है लेटेस्ट स्टेजेस में उसको लगता है घर का काम क्या है बर्तन चार ही तो दोनों हैं वो उसको इस चीज का पता होगा कि बर्तन चार दो रिक्वायर्स एन एफर्ट जिसने लाइफ में काम किया होगा या टेंडेंसी ऑफ इनहेबिशन इस चीज में ये हो जाता है कि आपको वो स्टॉप करता है वो इन लोग एक क्लोज निट इसमें रह जाते हैं वो उनको कोई नए स्किल वो टुवर्ड्स लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ नहीं सीखते हैं ठीक है वो एक शेल में ही हमेशा के लिए रह जाते हैं तो ये कब होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्री स्कूल फोर टू सिक्स इयर्स तो क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं हो सकते हैं मैल अडेप्टेटिव मैल अडेप्टिव टेंडेंसी आ जाए या मेलेग्नेंट टेंडेंसी पूछा जाए कौन सा किस स्टेज में है अगर वो थोड़ा डीप आपको पूछना चाहें तो ये पूछ सकते हैं अगर सिंपल आपको स्टेज का नाम दिया जा सकता है चार स्टेज का नाम तीन उसमें से होंगे एक नहीं होगा या चारों होंगे एंड ऑल ऑफ द अबो करके ऑप्शन होगा कि कौन सी स्टेज इसमें से एरिक्सन की है ठीक है इंडस्ट्री वर्सेस इंफिरियोरिटी देखो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी आपका लेटेस्ट स्टेज स्टार्ट हो गया चाइल्डहुड सेवन टू ट्वेल्व ईयरस इसको हम लेटेंसी स्टेज बोलते हैं इसमें जो चाइल्ड होता है हैज़ टू डेवलप अ कैपेसिटी फॉर इंडस्ट्री वाइल अवॉइडिंग एन एक्सेसिव सेंस ऑफ इंफीरियरटी अब बच्चा जो है सात साल का हो गया थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल काम हो रहा है उसकी लाइफ में अब आप बोलोगे मीनिंगफुल यहाँ भी हो रहा था आप सोचो चार से छह साल का बच्चा अगर कोई खेल गेम खेल रहा है कुछ कोई भी डोंट नो मुझे याद नहीं अब स्कूल में क्या कराते हैं इस एज में चलो अगर क्रिकेट भी खेल रहा है तो उसके लिए वो उतना मीनिंगफुल अभी नहीं होगा क्योंकि क्या वो रूल्स फॉलो करेगा क्या उसको पता होगा गेम के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं या कितने एक गेम में इलेवन प्लेयर्स होने चाहिए या ट्वेल्थ प्लेयर्स होने चाहिए तो उसको ये सारी चीजों के भी नॉलेज नहीं है उसके लिए बस एक प्लेफुल एक्टिविटी है जहाँ पे वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है नई नई चीज़ें सीख रहा है लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है अब मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहा है अब अगर वो क्रिकेट खेलता है तो ही हैज टू फॉलो सर्टन रूल्स अब ऐसा नहीं हो सकता अगर वो आउट हो गया तो ये बैट मेरा है बैट लेके भाग जाऊंगा ठीक है ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं होंगी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी वो डेवलप हो रही है इस स्टेज को एरिक्सन ने कहा सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस टू लाइफ हो रही होती है अब वो रियल लाइफ में स्टेप रख रह रहा होता है ठीक है यहाँ पे चाइल्ड डेवलप करता है वर्चू जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी वो कॉम्पिटेंट बन रहा होता है काबिल बन रहा होता है केपेबल बन रहा होता है इस लाइफ में एंटर होने के लिए ठीक है अगर यहाँ पे वो फेल हो गया और वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाया मीनिंगफुल एक्टिविटी उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाई तो उसके अंदर क्या आ जाता है सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कि मैं इन्फीरियर हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ बच्चों में आता है ना ये सेवन टू ट्वेल्व ईयर्स के जो बच्चे होते हैं स्कूल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कर रहा है तो उसकी लाइफ अकॉर्डिंगली चल रही है और जो इस स्टेज में भी ओपन अप नहीं हो रहा है जिसकी जिसका रीजन कहीं ना कहीं उसके पुराने स्टेज़स की प्रॉब्लम्स हैं तो वो खुद को समझता है तो यहाँ पे होती है मैल अडेप्टेटिव अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ एंड द एंडिग्नेट टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया नैरोसिटी मीन्स वो कोई नए स्किल्स नहीं सीखता उसमें अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं तो काफी इन्फीरियर खुद को फील करता है एंड वो उसी इसमें रह जाता है इन्फीरियोरिटी में वो नाइस स्किल्स देते हो सीखना नहीं चाहता है वो एंड देन कुछ सीखने की उसमें काबिलियत भी कम कम होती जाती है मेलेग्नेट टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया इनर्शिया हमने साइंस में पढ़ा है इनर्शिया का मतलब क्या होता है कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो अब आप इसको इसमें अप्लाई करो इस थ्योरी में कि आप इनर्शिया वाली स्टेट में रह जाते हो मतलब ठीक है मुझे कुछ नहीं करना मैं एक ही जगह बैठा हूँ वो वाली प्रॉब्लम वो नेगेटिव आउटकम किस में आता है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी में फिर हो गया आइडेंटिटी रोल रोल कन्फ्यूजन में आता है थर्टीन टू नाइनटीन ईयर्स जब हम टीन एज में होते हैं तो हमें ज्यादा होता है ना हमें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है उस एज में आप चाहते हो कि आपको जाने लोग ठीक है आपका नाम हो तो टीन एज होती वैसी एज है जहां पे आप दिखना चाहते हो तो ये होता है आइडेंटिटी जिसको सही से मिल गई पॉजिटिव आउटकम हो गया लाइफ का जिसको यहाँ पे भी जिसका कुछ नहीं हुआ वो एक रोल कन्फ्यूजन में रहता है इट इज अ नेगेटिव पर्स्पेक्टिव दैट इज द पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली और आइडेंटिफाई हु दे आर एंड हाउ दे कैन रिलेट पॉजिटिवली विद एनवायरमेंट उनको पता ही नहीं रहता वो अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है कि हम क्या है हम क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ ना हमें क्या करना है उसको हम क्या बोलते हैं रोल कन्फ्यूजन होता है तो ये चीजें अगर होगी तो मैन अडेप्टिव टेंडेंसी ऑफ फेनाटिसम देखो फनाटिसिज्म क्या होता है जिसको हम जैसे आपने टर्म सुना होगा रिलीजियस फेनेटिक कि किसी एक चीज़ पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि उनके लिए वो क्लोज माइंडेडनेस हो जाती है कि बस इसके आगे तो कुछ है ही नहीं उनको दूसरे फिर रिलीजन इन दूसरे रिलीजन की तरफ वो इंटॉलरेंस दिखाते हैं कि हमारा ही रिलीजन सही है बस यही है जो है और कुछ भी नहीं है दुनिया में तो फिनेटिक बन जाते हैं उनका बिलीफ डिवोशन किसी भी चीज को लेके एक एक्सट्रीम पे चला जाता है तो टीन अगर आप आइडेंटिटी अपनी नहीं बना पाते हो तो आप फिनेटिक भी बन सकते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ मैं सुधरने नहीं वाला हूँ मैं यही हूँ मुझे अगर कन्फ्यूजन में हूँ तो मुझे कन्फ्यूज ही रहना है हमेशा के लिए आप इन जब आपको घर वाले बोलते हैं ना इस स्टेज में कि देखो यूजली कंपेरिजन आप एडोलसेंस का ही स्टार्ट करते हो टीन में ही इससे पहले आप बच्चों को नहीं बोलते उस कज़न को देखो तो इस एज में क्या होता है मामा बोलती है ना देखो फलानी कज़न कितने मार्क्स लेके आता है वो कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है आप इनटॉलरेंट हो जाते हो इन बातों की तरफ कि आपको उन इंसानों की नफरत हो जाती है वो हो गया मेलेग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रेपुडिएशन आप रिजेक्ट करना करने लगते हो ऐसे थाट्स कि कोई बेहतर है कोई क्या है आप इनटॉलरेंट हो जाते हो ठीक है फिनेटिक बन सकते हो तो वो किस में होता है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन में इंटरमेसी वर्सेज आइसोलेशन ये यंग अडल्ट में होता है ट्वेंटी टू थर्टी फोर ईयर्स इस एज में आपको चाहिए होता है कम्फर्ट इमोशनल कनेक्ट सपोर्ट लव कम्फर्ट ट्रस्ट ये सारे इसी स्टेज में आते हैं कि कोई हो मेरा भी अपना ये थाट्स यहाँ पर आते हैं अगर सही से आ गए तो पॉजिटिव आउटकम मिल गया आपको कोई इंसान अगर नहीं मिला तो लोनलीनेस एलिनेशन मीन्स आप डेवलप करते हो वो फीलिंग कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में ठीक है वैसी फीलिंग डेवलप होती है खुद को अलग थलग मानना शुरू कर देते हो कट ऑफ हो जाते हो एंड सोशल विड्रॉल आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट किसी से बात करने का मन नहीं करता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा इस दुनिया में ठीक है अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो लेटर क्या हो जाता है आपकी स्टेज में नेगेटिव आउटकम्स आते हैं इस स्टेज में जो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे शेप करते हैं या आप डेवलप करते हो मैल अडेप्टेटिव टेंडेंसी ऑफ प्रोमिसक्टी अगर आपको इस एज में भी मतलब सही से कंफर्ट प्यार वो चीजें नहीं मिल रही हैं तो हो सकता है आपका एक सेक्सुअल पार्टनर ना हो एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर पे आप रिलाई करो क्योंकि आप फिजिकल टच से कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हो क्योंकि यहाँ से वो आपको सही तरीके से नहीं मिला होता है या मेलेग्नेट टेंडेंसी ऑफ एक्सक्लूजन आप एक्सक्लूड हो जाते हो आइसोलेट हो जाते हो ठीक है ये किस स्टेज में होता है इंटमेसी वर्सेस आइसोलेशन अब देखो ये टॉपिक मैं आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके समझा रही हूँ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर फिर मैं क्या करूँ आप ही बताओ समझ में तो आ जाना चाहिए ना मैं काफ़ी आपको रियल लाइफ आपकी लाइफ की एग्जाम्पल्स लेकर आपको ये बताती हूँ एंड पढ़ने का तरीका भी यही होता है अगर आप रिलेट कर पाओ उसको अपनी लाइफ से तो आप वो चीज़ अच्छे से याद रख सकते हो जनरेटिविटी वर्सेज टेक्नीशन ये मिडिल एडल्टूड है थर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव ईयर्स इसमें क्या होता है

ठीक है उस टेग्नेशन होता है अभी भी सेल्फ एब्जॉर्ब हो सेल्फ सेंटर्ड हो सेल्फ इंटरेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किसी के लिए भी केयर नहीं करते होते हैं ना कई ग्रैंड पेरेंट्स इस टाइप के भी होते हैं लेकिन यूजुअली वो जनरेटिव होते हैं ठीक है उनमें अभी भी सेल्फिशनेस सेल्फ इंटेलिजेंस एंड ग्रीड होती है ठीक है क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन से प्यार नहीं करते हैं तो अगर ये वाली नेगेटिव आउटकम्स आए तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है मैल अडाप्टेशन टेंडेंसी ऑफ ओवर एक्सटेंशन कि उनको लगता है कि वो बर्नआउट फील करते हैं कि बस हमसे नहीं हो पाएगा हमने लाइफ में बहुत कुछ किया है आपके बच्चों के बच्चों के पीछे घूमते रहें ठीक है ये बिल्कुल लेमैंड टर्म्स में आपको समझा रही हूँ जिसने कभी सोशोलॉजी नहीं पढ़ी वो भी समझ जाएगा ये कि ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना कि बस अब बच्चे के साथ सारी जिंदगी गई अब बच्चों के बच्चों के पीछे सारी जिंदगी हम स्पेंड करें तो वो फीलिंग ऑफ ओवर एक्सटेंशन होती है बर्न आउट की बस मुझसे और नहीं हो पाएगा या मलेग्नेंट टेंडेंसी ऑफ रिजेक्शन उनको क्या लगता है कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं हर जगह से और उनका अपना कोई नहीं है क्योंकि वो ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली वो सेल्फिश और सेल्फ इंटेलिजेंस ग्रीड में इन्वॉल्व है ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है ओवर एक्सटेंशन एंड रिजेक्शन की जेनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन में लास्ट स्टेज इज ईगो इंटिग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर ठीक है ये आपकी क्लोजिंग स्टेज है सिक्सटी फाइव ईयर ऑनवर्ड्स इसमें टास्क डेवलप करना ईगो इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी यहाँ पे मतलब हुआ पीस में होते हो आप ठीक है आप सेटिस्फाइड होते हो विद वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड आपको लगता है हाँ मैंने लाइफ में जो भी अचीव किया ठीक है मैं इतना ही कर सकता था एंड आई एम हैप्पी आई एम सेटिस्फाइड मुझे बच्चों के लिए जो करना था मैंने वो किया मुझे अपने लिए जो करना था मैंने वो किया आप काफी पॉजिटिव आपका आउटकम होता है इस अगर आप ईगो इंटीग्रिटी वाले इसमें आ जाते हो कैटेगरी में अगर डिस्पेयर वाली कैटेगरी में आते हो तो आपके अंदर वो डिस रिजेक्शन डिनाइल या सॉर ग्रेप्स है ना अंगूर खट्टे हैं फिर आप खुद को ही रीजन्स देते हो अच्छा मैं ये कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि तब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी बेसिकली आपके पास एक्सक्यूजेज होते हैं तो वो आपकी सार ग्रेप वाली फीलिंग होती है टुवर्ड्स वट लाइफ माइट हैव बिन ठीक है अंगूर खट्टे हैं क्योंकि आप वो अचीव नहीं कर पाए थे आपको अंगूर मिले नहीं थे तो आप बोलोगे अंगूर खट्टे थे इसलिए मुझे नहीं मिले तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है या मैल अडेप्टेटिव Mal is कि आप प्रेजूम करना शुरू हो जाते हो चीजें कि ऐसे होता तो वैसे होता ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता आपके पास कोई सफिशियंट एविडेंस नहीं है इन चीजों का बस आप खुद को तसली दे रहे हो विदाउट एनी सफिशियंट एविडेंस आप जजमेंट पास कर रहे हो वो हुआ प्रेज्यूम करना एंड मेलिग्नेट टेंडेंसी इज कॉल डिस्डेन की आपको वो नफरत वाली फीलिंग होती है काफी चीजों से ठीक है कि नहीं मतलब आप नेगेटिव सोचते हो अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो आप उस चीज को नेगेटिवली लेते हो एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है ठीक है उसको हम बोलते हैं आप करोगे आपको दोनों टाइप के एज हैं 65 ऑनवर्ड्स आपको ये भी मिलेंगे जो ईगो इंटिग्रिटी वाले पीसफुल होंगे जो कंप्लेन थी जिनके पास हमेशा होंगी तब अगर मैंने ये किया होता फिर ये हुआ होता तब मेरे साथ फलाने ने गलत किया था तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी वो कौन से वाले होते हैं डिस्पेयर में जीने वाले लोग होते हैं ठीक है तो ये इनकी आठ स्टेजेस है यहाँ पे उनको क्लोज करते हैं यहाँ पे आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो उनको टेबलर फॉर्म में ट्रस्ट वर्सेस मिस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ईगो वर्सेस रोल कंफ्यूजन इंटरमेसी वर्सेस आइसोलेशन जेनरेटिव वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर सेल्फ एब्जॉर्प्शन या स्टेग्नेशन भी इसको बोलते हैं और यहाँ पे कौन सी मैल अडेप्टन मलेग्नेंसी डेवलप होती है वो भी यहाँ पे सारा लिखा हुआ है सारी हमने डिस्कस कर ली इसमें आई गेस हाँ सेंसरी डिस्टोशन एंड विड्रॉवल नहीं बोला था मैंने वो स्लाइड से मैंशन नहीं है वो आप यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हो सेंसरी डिस्टोशन जो पहले स्टेज में होता है जीरो टू वन ठीक है मतलब वो सेंस नहीं कर पाते क्योंकि आप उनको उन वहाँ से उनको वार्म नहीं मिलती तो वो एक डिस्टॉर्टेड फेज में रहते हैं ठीक है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते सेंसरी भी बच्चों का कनेक्ट करने का क्या तरीका होता है बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को रो के यूजली या एंगर दिखा के उस एज में भी बच्चा क्या आगे उसको दूध चाहिए वो थोड़ी बोलते हैं मामा दूध पिलाओ वो रोता है ठीक है तो अगर आप उसकी वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी डिस्टॉशन आएगी बच्चा भी प्रोसेस नहीं कर पाता है उस एज में कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है विड्रोवल की वो थोड़ा फिर आप विड्रोवल मीन्स आप उतने इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो बाद में अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो आपको डिपेंडेबल फील ना करवाएं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी एंड टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे